आप सभी का फिर से स्वागत है डेविड राहुल में। मैं हूँ राहुल आपका दोस्त। चलिए आज का ब्लॉग कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लेकिन आज हम इसे ब्लॉग नहीं कहेंगे, आज हम कुछ अवेयरनेस वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं वार्ड नंबर 20 के पीछे जो गली है, जहाँ से हरि मंदिर जो सब्जी मंडी का जो रास्ता है, हम लोग उस गली में जा रहे हैं। उस गली का जो रास्ता है वहाँ बहुत सारी मतलब गंदगी फैली हुई है, हमें आने जाने में बहुत तकलीफ होती है, और खासकर जो लोग आते हैं कुछ सब्जी लेने के लिए अपने घर के लिए, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो आज हम उस रोड को एक्सप्लोर करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। हम लोग चलते हैं आगे, और हम लोग फिर कुछ लोगों से मतलब इंटरव्यू भी लेंगे उससे रिलेटेड कि क्या है क्या नहीं, तो आप हमारे साथ बने रहें। चलिए हम चलते हैं आगे। पहले आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। मेरा महेंद्र है और मैं यहाँ अमृतपुर चास का रहने वाला हूँ, और यहाँ मेरी जो दुकान है वो आनंद नगर बाईपास रोड चास में है। ताकि सर ने बताया कि उनका दुकान भी आनंद नगर की गली में ही है, तो अभी सर से पूछते हैं कि सर को आने जाने में जो कचड़े की जो गंदगी दिखती है उसके बारे में सर को क्या, सर गंदगी जो दिखती है उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए हमारा जो वार्ड है ये म्यूनसिपल्टी चास नगर निगम का वार्ड नंबर 20 पड़ता है, जिसमें सफाई की व्यवस्था एकदम शून्य है। आए दिन बहुत ही कचड़े का अंबार लग जाता है, साफ सफाई के लिए कोई भी वर्कर यहाँ पे नहीं आते हैं जो कि गंदे को साफ करें। बार बार एप्लीकेशन ये देने के बावजूद भी यहाँ पे सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, जिसमें यहाँ के आम लोग बहुत काफ़ी परेशान होते हैं। जैसा कि सर ने खुद कहा कि सर लोग ने क्या बोलते हैं, सभी लोग मिल के क्या बोलते हैं, वहाँ एप्लीकेशन भी डाला म्यूनसिपालिटी पे, लेकिन म्यूनसिपालिटी के लोग नहीं आते हैं साफ करने के लिए, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या आप बताइए? सॉल्यूशन सब तो हम लोग तो एप्लीकेशन वगैरह बाहर लगा सकते हैं यहाँ के सरकार के ऊपर, सरकार के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और रोज डेली जो वर्कर हैं सफाई कर्मचारी को भेज के इसका साफ़ सफाई की व्यवस्था सुबह शाम अगर होती है तो साफ सफाई की व्यवस्था हमारे मोहल्ले में एकदम साफ रहेगी और स्वच्छ रहेगी। मेरा निरंजन सर का क्या बोलते हैं जो सुझाव था हमारे इस अवेयरनेस वीडियो के ऊपर, हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से मतलब रास्ते में कचरा फैलाया गया है जो म्यूनसिपैलिटी आके साफ नहीं कर रही है, जिनका मतलब जिम्मेदारी है साफ करना वो लेकिन साफ नहीं कर रही है। हम आगे चलते हैं फिर आगे, और आप देख सकते हैं इनका इतना बढ़िया दुकान है जो दुकान चल भी रहा है, लेकिन फिर इनके सामने में भी यहाँ पर कचरा है। इन्होंने क्या बोलते हैं ये भी डाला है, एप्लीकेशन भी डाला हुआ है, लेकिन उनके ऊपर भी मतलब कोई सुझाव नहीं हो रहा है। तो हम चलते हैं आगे, और आगे कुछ और लोगों से पूछते हैं कि उनके बारे में क्या राय है जो इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरा गंदा फैला हुआ है। तो अभी चलते हैं आगे, आगे देखें तो ये एक बहुत बड़ा गैराज है जहाँ गाड़ी उड़ी रिपेयर होती है। इनका क्या मतलब रोल है साफ सफाई के मामले में, ये इनसे पूछते हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। सोनू। इनका नाम सोनू है। तो आप ये बताइए कि आपके जो आसपास इतनी गंदगी फैली हुई है और जो इतना मतलब गंदा हो रहा है, जो वार्ड नंबर 20 को आप क्या मतलब, वार्ड नंबर 20 मतलब आपकी जो ये रास्ता जिस वार्ड पे आती है आपको उस म्यूनसिपैलिटी कमेटी को क्या करना है? ये रोड यहाँ सही नहीं है, पानी जम जाता है बरसात में, कचरा पूरा गंदगी है, मच्छर उच्छर हम लोग बहुत काटता है, यही सब है। आप ये बताइए कि आप क्या सॉल्यूशन मतलब आप क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहेंगे कि काम सही हो, अच्छा से सब आदमी साफ सफाई से रहे, और रोड में पानी पूरा जम जा रहा है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो आप इससे रिलेटेड कभी कंप्लेंट डाले नहीं? कंप्लेंट डाले गाड़ी वाला को बोलते रहते हैं भाई करिए करिए, सुनता ही नहीं। तो क्या म्यूनसिपैलिटी आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है? नहीं नहीं सुन रहा। जैसे कि आप देखिए अभी इनका कहना यही है कि म्यूनसिपैलिटी जो है नहीं जल रहा है, देखिए इसमें चोरी चमारी होने का भी डर है, लाइट रोज खराब हो जाता है, रोज बोलते हैं वो लाइटें नहीं बन रहा है। तो देखिए ये बहुत बड़ा समस्या है हमारे यहाँ के लोगों के साथ, कि मतलब सामान वामान रखा रहता है, कोई चोरी हो जाए रात में या कुछ हो जाए, एक तो पानी का व्यवस्था कर दीजिए कम से कम, पानी का व्यवस्था कम से कम, हम लोग यहाँ 500 आदमी रहते हैं, कुछ पानी पीने का व्यवस्था होना चाहिए। तो आप वार्ड मेंबर को क्या कहना चाहते हैं? वार्ड मेंबर को कहना चाहते हैं कि हम लोग का थोड़ा पानी का लाइट का और रोड का सुविधा कर दो, और कुछ नहीं चाहते। तो आपने एप्लीकेशन भी डाला है तो? हाँ एप्लीकेशन दिए, वो कोई मतलब अपना रोल नहीं, एप्लीकेशन हम लोग दिए हैं, बोले भी हैं।
लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो देखिए बहुत बड़ा समस्या है हमारे यहाँ लोगों के साथ कि वो एप्लीकेशन भी डाले हुए हैं लेकिन उनके साथ में मतलब कोई सुझाव नहीं हो रहा है। तो आगे चलते हैं, हम आपको रास्ता भी दिखाएंगे जो बहुत ही मतलब गंदगी से मतलब पूरा फैला हुआ है। लेकिन आप ही देखिए यहाँ का जो वार्ड मेंबर, यहाँ का जो वार्ड जो म्यूनसिपैलिटी है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप ही देखिए यहाँ क्या बोलते हैं, कितना गंदगी फैली हुई है। यहाँ हमें भी चलने में मतलब काफ़ी शर्म आ रही है। ये देखिए यहाँ सामाजिक क्या बोलते हैं, टॉयलेट भी बनाया गया है लेकिन उसका भी आप हाल देखिए, मतलब कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ चास नगर निगम तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब लिख दिया है कि वो अपना मतलब रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा। आप देखिए यहाँ के लोग जो है, मतलब कोई भी लोग आ रहे हैं वो मतलब वहाँ मतलब ये मतलब वहाँ मतलब टॉयलेट नहीं करने छोड़ के वो यहाँ टॉयलेट करते हैं, मतलब पूरा मतलब कचरा फैलाया हुआ है। तो आप बताइए अब इसमें आपका क्या राय है, आपसे हम जानना चाहेंगे। तो यही है कि हमारा यहाँ के जो लोग हैं वो डायरेक्ट मतलब वो कुछ नहीं करना चाहते, वो सिर्फ इतना ही बात कर रहे हैं कि वो तो एप्लीकेशन डाले हैं लेकिन यहाँ का जो वार्ड मेंबर, यहाँ का जो वार्ड जो म्यूनसिपैलिटी जो है वो मतलब कुछ नहीं कर रहा है, मतलब शून्य के बराबर वो काम कर रही है, ऐसा मतलब उनका कहना है। तो आगे चलते हैं और भी, तो यहाँ आगे चलते हैं हम लोग और भी फिर पता करते हैं कि मतलब उनका क्या, और लोगों से भी बात करते हैं उनका मतलब क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं। आप देखिए कितनी गंदगी है, हमें चलने में खुद शर्म आ रही है कि इतनी गंदगी में हम, अगर हमारे अगर कोई भी अगर मेहमान आते हैं तो हमें कैसा लगता है, तो सोचिए हम क्या बोलते हैं, इतनी गंदगी में मतलब लोग कैसे रहते हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। सर आप अपना नाम बताएं। मुकेश कुमार दास। सर आपसे ये प्रश्न है हमारा कि आप जिस वार्ड में रहते हैं क्या आपको लगता है कि ये वार्ड सही काम कर रही है, जो ये रोड इतनी गंदी है, आपको इस रोड में आने जाने में शर्म आ रही तो होगी, ये तो एकदम तो हो ही रहा। तो आप इसके बारे में क्या करते हैं? अब क्या कीजिएगा, वार्ड पर बोलने खड़े बोल रहा कि नहीं हम तो अभी इसमें नहीं है, तो सबको इसमें समाज को जागरूकता होना चाहिए, सबको मिल के साफ सफाई ध्यान थोड़ा देना चाहिए, और सब अपना अपना काम में बिजी है, कोई ध्यान दे ही नहीं रहा। तो सर आप इसको दोषी मतलब किसको बना सकते हैं, आप इसमें दोषी किसको बोल सकते हैं? दोषी तो हम खुद को भी मान सकते हैं, क्योंकि हम लोग अब खुद से जिम्मेदार नहीं होंगे तो कहाँ से क्या होने वाला है। भले हो सके और कोई है इनका, मगर हम लोग अपना ऐसे मैंने एकता होकर के सबको साफ करना चाहिए, मगर उसी में कोई ध्यान नहीं दे पा रहा, सबके अपना अपना काम में बिजी, उसे काम के बिजी तो सबको है, उसमें थोड़ा सा पल निकलेगा एक कुर होकर सब किया जाए तो गंदगी जरा भी नहीं रहेगा। सर ने जो मतलब सर ये लग रहा है गंद हो रहा है, और तो चले कोई हम लोग का मेहमान भी आने से बुरा नहीं है कि आप लोग कचरा में रहते हैं, बात तो बहुत दूर तक जाता है। जैसे सर ने भी बताया, सर आप क्या बोलते हैं एप्लीकेशन तो डाले ही होंगे इसके खिलाफ, तो क्या क्या बोलते हैं जो आपके वार्ड जो म्यूनसिपैलिटी है उन्होंने कोई ये लिया है, उसके ऊपर पक्ष लिया है? ना कुछ नहीं। ये सर ने भी वही कहा कि एप्लीकेशन डालने पर भी मतलब कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है सर, हम आपसे फिर मिलते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और भी साथियों से पूछते हैं। और एक साथी मिले हुए हैं, आइए इनसे सबसे पहले इनका नाम पूछते हैं। सर अपना नाम? मेरा राजू कुमार दास हो गया नाम। इनका नाम राजू कुमार दास है। सर आपको क्या लगता है, आप इतनी जो गंदगी भरे रास्ते में चल रहे हैं इसमें सर आपका क्या राय है? देखिए राय तो यही है कि हम लोग खुद चाह रहे हैं कि इस रोड का सफाई हो, और प्लस नाली जो है, नाली का भी कर्मचारी जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो बस वार्ड वाला जो हमारा वार्ड तो अभी में ध्यान ही नहीं दे रहा, प्लस नगर निगम को भी थोड़ा सपोर्ट होना चाहिए कि भाई जो लोग कम से कम रोड जो टूटा हुआ है उसको थोड़ा सा साफ सफाई करवा करके इस तरह मरम्मत करवा दें, जिसमें तो किसी का कुछ सपोर्ट ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा आगे रोड का ही। तो सर आपने क्या इस रोड को क्लीन करने के मतलब विपक्ष में आपने क्या एप्लीकेशन नहीं डाला है? एप्लीकेशन तो डाले थे, कुछ सुनवाई नहीं हुआ तो हम लोग चुपचाप हो गए। फिर कोई बड़ा कोई सपोर्टर रहेगा तभी ना हम लोग कुछ अलग कदम उठाएंगे कि इस रोड को नली का साइड में बनाया जाएगा कि नहीं, क्या फिर यह रोडे बने रहेगा। और आपको फिर एक प्रश्न और है आपसे, आप बताइए क्या बोलते हैं जो अभी इस रास्ते में जो नाली का काम चल रहा था उसमें जो नाली का जो ऊपर वाला जो मतलब ड्रेन हम लोग जिसको बोल सकते हैं वो कोई जगह में कवर है कोई जगह में कवर नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ड्रेन तो होना चाहिए, ड्रेन होना चाहिए प्लस कवर होना भी होना चाहिए ताकि गाड़ी उड़ी आने में जाने में सुविधा हो, दिक्कत ना हो किसी को भी। आइए तो साथियों देखिए अभी हम रास्ता में चल रहे थे और हमें चलते चलते एक ड्रेनेज सिस्टम दिखे, तो देखिए यहाँ ड्रेनेज सिस्टम का क्या प्रॉब्लम है, मतलब ड्रेन तो है
पानी जा भी रही है लेकिन पानी बीच में रुक भी रही है और ट्रेन में बहुत कचरा भी है और साथ ही साथ ट्रेन में कवर नहीं है जिससे क्या कि बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। लेकिन तो हमारे साथ एक साथी और अभी मिले हुए हैं, अभी इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है। सबसे पहले मेरा नाम विजय कुमार है, हम 20 नंबर वार्ड से हैं और हमारे यहाँ 20 नंबर वार्ड के पीछे जो है कचरा की अंबार लगी रहती है बारहों मास। जो 5 साल बीत गए अभी फिर चुनाव होने वाली है लेकिन फिर भी ना कोई वार्ड पार्षद ना कोई यहाँ की जनता, बस जो हम लोग झेल रहे हैं ना कोई प्रशासनिक से कोई निगम से कोई मदद है ना साफ़ सफाई की व्यवस्था एकदम पूरी तरह से ध्वस्त है। जहाँ की तहाँ कचरा का अंबार जहाँ जहाँ लगा हुआ रहता है, जबकि इससे हम लोग हरी मंदिर बाज़ार जो सब्जी मार्केट है बड़ा माल मंडी है और बड़ा मंडी के लिए यहाँ पर जो आदमी 4-5 वार्ड से आते जाते रहते हैं उसे गंदगी का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर जो है हमारे 20 नंबर वार्ड के पीछे मच्छर का प्रकोप और बीमारी फैलने की शंका बनी रहती है और खाने पीने के चीज़ में गंदे गंदे मक्खियाँ बैठती है। तो हमारे नगर निगम से अनुरोध है कि इसको 20 नंबर वार्ड को पीछे से आके कचरा उठाव का साप्ताहिक हो या पर डे हो इसका काम करना चाहिए और सफाई बराबर के लिए सुनिश्चित करनी चाहिए। ये हमारी नगर निगम से विनती है और लिखित भी देना पड़े तो लिखित भी हम लोग जाके दे सकते हैं, ठीक है। तो इस पर नगर निगम को ध्यान देना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है और इसको लगातार जारी रखना चाहिए। तो ये सर आप जो बोल रहे कि हमें मतलब मांग हम लोग दिए हुए हैं तो आपने बोला लिखित भी देनी पड़ी, तो क्या आपने इससे पहले कभी लिखित नहीं दिया था इससे रिलेटेड? इससे पहले लिखित गया है सफाई के बारे में, नाली के बारे में, रोड के बारे में, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई काम धरातल पर नहीं दिखाई दे रही है। अब फिर से चुनाव आने वाली है, बरसात में यहाँ जलमग्न हो जाती है रोड, गंदगी में नली का पानी रोड पर आती है, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसे सफाई किया जाए और नगर निगम को इस पर ध्यान देनी चाहिए। तो ये सर का ये राय है, ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। तो सर आपसे एक प्रश्न और रहा कि सर आप इसका मतलब क्या सॉल्यूशन क्या निकालना चाहते हैं, मतलब आप इसे मतलब क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, आप ये बताइए। बस हमें सफाई से मतलब है, नगर निगम सफाई करे, ठीक है, और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं उसमें। क्या वो मोहल्लावासी भी सुस्त रहेंगे और अच्छा रहेंगे, उसका सेहत भी अच्छा रहेगा, आने जाने में पब्लिक को भी दिक्कत नहीं हो, गंदगी का सामना ना करना पड़े, बस यही हमारी ये है। अरे सर जैसे कि मैं मतलब यहाँ से जो लोग पार होते हैं वो पार होते हैं तो वो मतलब ऐसा कोई करना नहीं चाहिए, तो यहाँ क्या अभी तक यहाँ मतलब अभी तक वो जो ड्रेनेज के सिस्टम का जो सॉल्यूशन था, और सर आप बोल रहे हैं कि हमारे नगर निगम वाले मतलब ध्यान नहीं रख रहे, तो आप ये बताइए तो नगर निगम के थ्रू मतलब जो ड्रेनेज का जो सिस्टम था, ड्रेनेज का सिस्टम और जो सर हमारा जो ये सिस्टम था टॉयलेट बनाने वाला, तो क्या वो अभी तक पूरा हो पाया? वो अभी तक पूरा नहीं पाया, सारा चीज़ ड्रेनेज जो हमारे नली का काम है वो अभी तक भरा हुआ है और ये 5 साल से में भी एक बार भी सफाई नहीं हुई है। लेबर आते हैं सफाई करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं फिर चल जाते हैं, लेकिन फिर
रेगुलर नहीं होने पर फिर भर जाती है, तो ये कंटिन्यू जारी रहेगी तभी यहाँ का गंदगी जो है ये साफ सुथरा रहेगी। तो इस पर ध्यान नगर निगम को देनी चाहिए लगातार, और सप्ताह में कम से कम 2-3 बार सफाई करनी चाहिए। उसको जो स्वच्छ के लिए जो शौचालय बनाए जा रहे थे, तो क्या उसके ऊपर आपका मतलब जो वार्ड है वो क्या बोलते हैं कुछ विमल किया है उससे रिलेटेड, क्या आपके घर में है शौचालय, क्या वो मतलब पूरा हो पाया है? हाँ मेरे घर में है, वो पूरा हुआ है, ठीक है, हम उसका लाभुक हैं, वो काम पूरा हुआ है। तो सर जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आपके घर में हुआ है, तो आपको क्या लगता है, आप भी तो इस वार्ड में रहते हैं और मतलब यहाँ जो ऐसे जो स्वच्छ से रिलेटेड जो मतलब पूरी गंदगी जो फैल रही है इससे रिलेटेड आप क्या कहते हैं? जिसकी नहीं हुई है वो आवेदन नगर निगम में जाके दे सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। मतलब वो अभी सबके लिए मुफ्त में? हाँ मुफ्त में भी है, तो वो जा सकते हैं और वहाँ से अपना लाभुक बन सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं अपना घर में शौचालय। व्यवस्था करनी चाहिए, उन लोगों को भी ध्यान देनी चाहिए, और वो नगर निगम के थ्रू ही होगी, तो जाके जिनके भी आवास पास हो गए हैं पूरा हुए वो अपना शौचालय का भी व्यवस्था करा लें, ये अति आवश्यक और जरूरी चीज़ है। देखिए यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम कैसा है, यहाँ ड्रेन तो है लेकिन उसके ऊपर कवर नहीं है, जिसके कारण पानी ओवरफ्लो हो रहा है और रास्ते में आ रहा है, जिससे बहुत ही गंदगी फैल रही है। अभी हमारे साथ जैसे शादीमा जुड़ी हुई अभी इन सब पूछते हैं, अभी दुकान वार्ड नंबर 20 में इस गली में ही, तो आपका क्या राय है जो ये कचरा फैला हुआ आपकी दुकान के सामने? हम लोग तो कचरा है दुकान तरफ में, हम लोग महाला में हम लोग कचरा में रहे हैं, कचरा सफा कर रहे हैं, कचरा कोई सफा करने में नहीं कोई आ रहा है, आप भी भेजिए कचरा सफा करेगा, हम लोग कचरा में हम लोग बैठते हैं उठते हैं। तो आप लोग क्या पत्र नहीं डाले उससे रिलेटेड कि मतलब कोई आए साफ करने के लिए? नहीं, हम लोग कितना बार हम लोग आता है नगर पालिका के आदमी लोग, मगर कोई नहीं आता है सफा करने के लिए। नगर पालिका आदमी आता है बोलता है कि जब हम लोग कचरा उठाएंगे तो हम लोग को पैसा चाहिए, तब हम लोग कचरा सफा करेंगे, ना तो हम लोग सफा करने नहीं आएंगे, तो क्या हम लोग पैसा देंगे तब कचरा सफा करेगा, तो हम लोग की कचरा में गिर चला जाएंगे। वार्ड नंबर 20 का जो पीछे वाला गली है उसमें अब राय आप तय करें कि उनका अब वो क्या करेंगे क्या नहीं। तो अगर अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर के बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसी के साथ आगे में बेल आइकन है उसको ऑन पर क्लिक कर दीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारा इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे ताकि, और हाँ खास कर इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, और वो देख शेयर करें ताकि वो नगर पालिका और वो पार्षद तक मतलब जाए, और हमारा जो यहाँ का जो ये है म्यूनसिपालिटी है उनके तक भी मतलब जाए, और वो मतलब उनका क्या राय है ये मतलब वो देखे और वो आए यहाँ साफ़ करने के लिए। मतलब यहाँ के लोगों का कहना ये है कि वो लोगों ने तो अर्जी बहुत बार डाली है लेकिन वो हम मतलब उसमें अभी तक ना काम हुआ ना कुछ हुआ, और हमारे साथ जो लास्ट में जो हमारे साथ एक दादी माँ जुड़ी हुई थी वो भी उनका भी कहना ये है, उनका कहना तो मतलब कुछ अलग ही है, उनका कहना ये है कि वह बोल रही है कि जो नगर निगम जो आएंगे जो साफ़ करने के लिए जो आएंगे जो आदमी जो साफ़ करने के लिए आएंगे वो मतलब पैसा लेते हैं, वो मतलब बोल रहे कि तुम हमें पैसा दो तब हम तब हम क्या बोलते हैं वो मतलब रास्ता को साफ करेंगे। तो अब आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट में बताएं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं, तो अगर ब्लॉग पसंद आई तो ब्लॉग को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।